हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम गिलकी की बहुत ही आसान और टेस्टी सब्जी बनाएंगे। इस तरह से आप गिलकी की सब्जी को एक बार ज़रूर बनाकर देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके पैन में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई। कुछ सेकेंड तक इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने पीस कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और प्याज के पेस्ट को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज के पेस्ट का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज के पेस्ट का कलर चेंज होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मिनट इसे और भून लेंगे। 1 मिनट हमने इसे और भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 2 मिनट मसाले को हमने ढककर पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली जिसे हमने दरदरा पीस कर लिया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम मसाले को ढककर 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। बीच में हम मसाले को 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम गिलकी को काटकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर 1/2 किलो गिलकी ली है। गिलकी को छीलकर आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा सा काटकर अलग कर देंगे। इसी प्रकार से सारी गिलकी को हम छीलकर तैयार करेंगे। गिलकी को छीलने के बाद इसे पहले अच्छे से हम पानी से धो लेंगे। धोने के बाद अब हम गिलकी को काटेंगे। गिलकी को बीच में से 2 भाग करके लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे। इसी प्रकार से हम सारी गिलकी को काटकर तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से गिलकी की सब्जी बनाने पर यह सब्जी गिलकी की भरवा सब्जी से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस प्रकार से गिलकी की सब्जी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो सभी गिलकी को हमने इस प्रकार से काट लिया है। मसाले को भी हमने 10 से 12 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें गिलकी डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट गिलकी को हमने ढककर पका लिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट गिलकी को हमने ढककर पका लिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट गिलकी को हमने और पका लिया है। गिलकी को पकने में समय कम लगता है। अब हम इसमें 1/2 कप गर्म पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढककर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट ढककर हमने गिलकी को और पका लिया है और गिलकी की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे।
तो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी गिलकी की सब्जी बनकर तैयार होती है। इस प्रकार से गिलकी की सब्जी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।